वो सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो वहां जाके देख लें, और जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने मटेरियल्स जो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में मैंने उस हवाले से दिया था, तो क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत बेसिक लेक्चर, वैसे भी जाहिर सी बात है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने भी ये ले लिया है क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर की बेसिक कोर्स है, और जो मटेरियल होते हैं यूज कंस्ट्रक्शन के दौरान उसमें कौन कौन से टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्शन की वो उसमें बताना जरूरी होता है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और क्योंकि अब ये बेसिक कोर्स इस वजह से डाल दिए गए हैं कि पहले स्टूडेंट्स जो होते थे वो सिर्फ वो डीए वाले जो है इसमें आते थे, तो डीए वालों को तो कोई बेसिक नॉलेज होती थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मगर अब प्री इंजीनियरिंग वाले भी आ गए ना, तो जी सर। उसको वो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कोर्सेज इसमें ऐड कर दिए हैं, तो अब इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन किस टाइप की होती है और उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और आगे जाके उसमें फ्यूचर जो भी कंसिडरेशन है वो क्या है कि आगे जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इस फील्ड के स्कोप के लोग हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, और किस किस किस्म की कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है और वो आगे क्या है, तो उसको स्टडी हम कर रहे हैं इसमें। तो सही है सर। इसमें जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने मटेरियल्स बताए थे, तो वो उसमें आप देखेंगे तो पीपीटी तो मैंने अलग से नहीं डाला, मगर लेक्चर में पूरा पीपीटी मैंने पीपीटी से ही पूरा पढ़ाया था, तो वो पीपीटी उसमें मौजूद है, तो वो उसको लेक्चर को देख लेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के हवाले से मैं बता दूं सबको कि ये भी आगे भी शेयर कर देगा जो जैसे मौजूद नहीं है, कि असाइनमेंट्स की बेस पे जो है वो अटेंडेंस मार्क हुआ करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फिजिकल क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उसमें असाइनमेंट का जो एचईसी ने जो एक रूल दिया है कि आप असाइनमेंट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड और क्विजेस जो है ना मैक्सिमम आप लेंगे, तो क्विजेस तो मैं नहीं लूंगा जी क्योंकि सर। क्विजेस का मेरा वो नहीं है वे ऑफ टीचिंग में, मेरे क्विजेस मैं नहीं करता इतने, मगर असाइनमेंट बेस्ड मैं दूंगा, और वो असाइनमेंट जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं वाले 16 या 17 स्टूडेंट्स इसमें ऐड हैं, इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं मेन के और नॉर्थ के मिला के, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट्स देने होंगे, और वो असाइनमेंट की बेस पे उनकी अटेंडेंस मार्किंग होगी और जो भी सेशनल मार्किंग है और वो उसी की बेस पे होगी। एक तो पहले मिड टर्म होता था, एक ठीक है फाइनल सर। होता था, अब मिड टर्म की मार्किंग जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई मजीद, और जो असाइनमेंट्स हैं वो इसमें काउंट होगा, सेशन मार्किंग जितनी भी है ना वो असाइनमेंट की बेस पे जो है ना वो होगी, तो ये चीजें जो है ना सबको बता भी दिएगा, असाइनमेंट के टॉपिक्स जो है वो आज सबको शेयर हो जाएंगे, सही है सर। इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा शाम तक सबके असाइनमेंट के टॉपिक्स स्टूडेंट्स को शेयर कर दूं, मगर पता तो चले ना अभी 16 स्टूडेंट्स जो इसमें रजिस्टर्ड हैं इस कोर्स में, वो 16 के 16 जो है वो आ रहे हैं या क्या है, क्या चक्कर है। हाँ, एक्टिव होंगे कि नहीं है। हाँ, अब वो कोई ऐसा ना हो कि कोई इसमें ऐड हो गया है रेलेवेंट और वो नहीं लेना चाह रहा है, तो ड्रॉप करना चाह रहा है, तो वो भी उसको भी हम असाइनमेंट दे दें या उसको किसी ग्रुप में ऐड कर दें, तो आज अगर आ जाएंगे तो मैं उन्हीं को असाइनमेंट जो है नजीर ना शाह असाइन कर क्लास में आ दूंगा। जाओ यार। सही बात अभी भी जो है सिर्फ 4 स्टूडेंट मौजूद हैं क्लास में, 16 स्टूडेंट हैं रजिस्टर्ड। वालेकुम जी सर। आया कोई? सलाम। कॉमरेड दबीर का कोर्स, दबीर में नहीं है इस कोर्स में क्या? सर दबीर है वो, थोड़ा सा ना उसकी वाइफ के साथ थोड़ा सा इशू है, तो वो कह रहा है एक आध क्लास के बाद मैं ले लूंगा यार क्लास। एक आध क्लास तो हो चुकी है सब से, सर एक हो चुकी है, मैं आज देख लें सर, या मैं कॉल कर लूँ उसको अभी। यार उसको बोलो आ सकता है तो आ जाए, नहीं तो फिर ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी ले, रिकॉर्डेड लेक्चर की भी बस आज तक परमिशन है क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई है, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर इसके जी बाद जब हो जाएगा, ये आज के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर की नहीं मैं दूंगा कि चलो फिर फर्स्ट लेक्चर की खैर है कि स्टूडेंट्स जी 2 दिन पहले ऐड हुए हैं या फिर आज किसी को कल किसी को लिंक मिला है तो उनकी खैर है, मगर जो उससे पहले जी वाले अब जो ऑनवर्ड लेक्चर होंगे वो ऑनलाइन की बेस पर मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर तो इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट, जी क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लास है, तो अब एक जी लेक्चर मैंने दे दिया उसमें किसी ने कोई कॉन्सेप्ट पिक नहीं किया, कोई नेट का इशू आ गया, कोई स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम, कोई बफरिंग आ गई बीच में, तो वो इस वजह से है कि वो रिकॉर्डेड है तो वो स्टूडेंट वहां जाके उसको व्यू कर लेगा, उसको जो है ना वो देख लेगा सुन लेगा, वो इसलिए है, वो इसलिए नहीं कि अटेंडेंस मांगा, अटेंडेंस की शीट भी आप लोगों सबको जो है मैंने फॉरवर्ड कर दी है ग्रुप्स के ऊपर, तो वो अटेंडेंस की, अटेंडेंस के जब क्लास जी खत्म हो जाए तो अटेंडेंस उसकी मार्क कर दें उस क्लास खत्म होने के टाइम पे, जी एक मैं शीट अपने पास मेंटेन करूंगा जो मेरे पास ही आ रही है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 1 मिनट में, स्क्रीनशॉट लेना बड़ा इजी है, इजी है, सब टीचर्स को हमने बोला हुआ है, फिर उस साइड में पार्टिसिपेंट्स के लिए से इसका जी स्क्रीनशॉट ले लें, तो अटेंडेंस इससे भी मेक श्योर हो जाती है कि यार यहाँ पता चल जाता है कि ये लोग मौजूद थे क्लास में, और जो वो जो जी ऑनलाइन लग रही है कुछ लड़कों ने ये शेव अख्तियार कर लिया है कि यार हम क्लास ले ना ले वहाँ अटेंडेंस मार्क कर देंगे, तो ऐसी कहानी नहीं है भाई,
ये जो जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं ये साइड में जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे, ये एविडेंस है जी सिस्टर की सर। अटेंडेंस जो ले रहा है क्लास वो यहाँ पर मौजूद है। तो स्क्रीनशॉट लेके सब सब टीचर्स इसको डेट बाय डेट इसको सेव कर रहे हैं। विद्यार्थी पर देखें क्लास मॉनिटरिंग जो जी रहेगी ना, अब HEC ने एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि चले आप ऑनलाइन क्लास ले लें, आपका हम टाइम लॉस नहीं होने दे रहे, जी आपका सर पीरियड जो है वो लॉस नहीं हो रहा, आपका जो वो है सेशन हम लॉस नहीं लूज नहीं करने देंगे आपको, मगर ये कि इसको इतना लाइट ना लेना फिर के वो स्टूडेंट जो है वो मौजूद ही नहीं। हाँ सर, मैंने उसको बता दिया है, उसकी गलती है। मैंने उसको बोला था कि भाई संडे वाले दिन क्लास है, लाजमी ज्वाइन करना आप। सर वो उसकी गलती है बिल्कुल, आज मैं उसको लास्ट वार्न कर दूंगा, उसके बाद उसकी गलती है सारी। और अगर किसी का कोई क्लैश है तो ये क्लास देखें जो हमारी क्लास है ना, ये हमारी पहले से स्केड्यूल्ड है और ये चल रही है। इसका अभी तक मैंने टाइम जरा सा भी आगे पीछे नहीं किया। तो स्टूडेंट कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहा था कि उसका क्लैश आ गया, तो वो क्लैश जो है जिस टीचर से उसका क्लैश आया, क्योंकि उनका टाइम भी पहले से प्री डिफाइंड है, तो उनसे आके बात करें कि वो क्लैश क्यों है। क्योंकि अगर वो मेरे टाइम पे क्लास है, उसका कोर कोर्स तो ये है ना भाई, और वो जो मेरे टाइम पे क्लास है वो वहां से अगर नहीं लेगा तो उनसे कोऑर्डिनेट करके और रिकॉर्डेड लेक्चर उनका सुने, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो ये बड़ा मसला है, मैं यहाँ से एब्सेंट मार्क कर दूंगा। आप लोगों को पता भी होगा कि जो है ना वो जो BTECH का HOD में हूँ, तो ये बात जहन में रखेगा, मॉनिटरिंग तो हर तरह से हो रही है और हर क्लास की मॉनिटरिंग हो रही है, हर स्टूडेंट की मॉनिटरिंग हो रही है, इंडिपेंड मतलब इंडिविजुअली। ठीक है, अब चलें जी आप, सर, मैं जो है सर वो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज जो मैंने मटेरियल जो निकाला है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं उसके हवाले से, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना, आप लोगों को जो है स्क्रीन पर नजर आएगा। आ गया? सर आ रहा है, सर छोड़ नहीं आ आया गया, सर, आगे आ आगे गया, आगे आगे थोड़ा आ गया टाइम, सर, थोड़ा टाइम लगता है। इंट्रोडक्शन। अच्छा देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ आपको, बिल्डिंग और टाइप ऑफ लॉर्ड। आप पढ़ा लो बेटा, आप पढ़ा लें। इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग टाइप ऑफ लॉर्ड बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बेटा यार यार सर को जरा समझाने दो। ओके अच्छा बेटा देखें, वो तो स्क्रीन पे आ गया, अब उसको डायरेक्ट करने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको नजर आ रहा है, आप बोलेंगे तो नजर आएगा क्या? अच्छा देखें सर, इसमें सर दो इस, मिनट इस, वो सर आप सबको म्यूट कर दें, आपको जिससे बात करनी है उसको अनम्यूट करके आप सवाल पूछ लेंगे। एक अच्छा अच्छा इसमें क्या है कि जो इंट्रोडक्शन इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है वो मैं आपको देता चलूंगा। इंट्रोडक्शन जो है इसका ये है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज एन एंशिएंट ह्यूमन एक्टिविटी, इट बिगेन विद द प्योरली फंक्शनल नीड फॉर द कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मॉडरेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। कंस्ट्रक्शन शेल्टर्स वर ऑन वन मींस बाय व्हिच ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स एंड बिकम अ ग्लोबल स्पीशीज। अच्छा देखें ह्यूमन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो एक एंशियंट एक्टिविटी, जब से दुनिया जो है वजूद में आई तब से ही कंस्ट्रक्शन लोग किसी ना किसी सूरत में कर रहे हैं, और इसमें जो है ना लोग, अब जाहिर सी बात है कि एक इंसान है उसको रहने की छत की तो जरूरत है। अब जाहिर सी बात है वो अगर केव्स वाले जमाने की बात की जाए, जब जो है स्टोन एज होता था, तो जब भी लोग अपने घर बनाते थे पहाड़ों में बनाते थे जिस तरह बनाते थे, अब इंसान ने उसको इनहेंस कर लिया है, अपनी रिहाइश को, अपनी जो रिहाइश के जो जगह है जो कि उसके उसने जो है वो जो भी उसके लिए वो अपनी जो जराए उसने बनाया उसको उसने इनहेंस कर लिया। तो अब और जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तो समझ लें कि वो खत्ता, अब तो इंसान जो है वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके भी जो है ना कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहा है, यहाँ तक जो है वो चीजें इतनी इतनी इस हद तक इनहेंस होती चली जा रही हैं। तो
History of civil construction was begin from the period of primitive human, from the protection against cold, rain, heat, etc. They made cave as their shelter. वही बात जो मैंने करी, but that was not enough. Cave didn't remain safe for long, so huts from the straws and leaves evolution goes on, but for better comfort, civil construction get involved and still evolving. Today we have every comfort and facility, but we have to face the future. Upcoming challenges as the shortage of land, etc. अच्छा देखिए, इसमें वो ही चीज करेगी कि चीजें मतलब डे टाइम बाय टाइम चीजें एनहांस होती चली गई, टाइम जो है वो एनहांस होता चला गया, पीरियड मतलब पीरियड्स डिफरेंट आते रहे, उसमें जो है कंस्ट्रक्शन का तरीका चेंज होता चला गया, क्लाइमेट चेंज होता चला गया. पहले जो है वो एक जमाने में आइस एज हुआ करती थी, आइस एज में हमने देखा होगा लोग इग्लूज में रहते थे, तो वो उस डायनेमिक उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो एरिया जो है उनको जो वहाँ पर जो फिजिबल है उसके हिसाब से वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर रहते हैं. और एवोल्यूशन जो है वो हो ही रहा है, दिन ब दिन जो एवोल्यूशन हो रहा है, आपने देखा होगा कि वो केव्स से लेकर अब जो अब जिस स्टेज पे पहुंचे हैं हम, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात कर रहे होते हैं. ग्रीन बिल्डिंग्स का किसी को पता है? अनम्यूट करूं मैं तो किसी को पता है ग्रीन बिल्डिंग्स का? ग्रीन बिल्डिंग्स सर, ग्रीन बिल्डिंग्स का जो है वो किसी को पता है तो मुझे बताएं थोड़ा. सब अनम्यूट हो गए. नहीं सर, सात को पता हो शायद. सात सात कौन है? सादात. सादात. अच्छा देखें, मैं बताता हूँ कि इसमें जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती है ना, अब पहले क्या पुराने जमाने में क्लाइमेट था कि जो क्लाइमेट उस वक्त चलता था वो एक्सट्रीम क्लाइमेट भी होता था, ऐसे ही जा गया, लोगों ने उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी, मतलब टाइम बाय टाइम चीजें एनहांस होती चली गई. हमारे जब हम छोटे थे, आपने देखा बचपन में आप जो जो जिस किस्म की बिल्डिंग्स हम देखते थे वो आज के जमाने में हमें उससे काफी डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियो नजर आ रहा है. वो बिल्डिंग्स उस तरह की नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं, एलिवेशन चेंज हो गए हैं और काफी ज्यादा एनहेंसमेंट बिल्डिंग्स में अब हो गई है. तो अब जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो आज के क्लाइमेट और आज के वेदर के हिसाब से हमने वो किया है, आज के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो सेट किया है ग्रीन बिल्डिंग्स. तो ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है कि हम उस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उसको वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए. ठीक है, अब फर्ज करें कि हमारे पास अब जो अगर रातें बड़ी होती हैं तो हमारे पास जो है वो लाइट्स का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है जिस सीजन में रातें बड़ी हैं. तो जब जैसे कि सर्दियों का मौसम तो लाइट्स का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अब उसके लिए वो बिल्डिंग्स को ऐसा एफिशिएंट बनाया जाता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से की जाती है कि हमें हम डे लाइट को यूज कर सकें, हम उस डे लाइट को यूज कर सकें. अब इसी तरह से उन उन उन, उन बिल्डिंग्स को एनहांस करने के लिए अब आपने देखा होगा विंडो के अंदर जो है वो सोलर पैनल्स लगने लगे कि उस बिल्डिंग को भी स्मार्टली यूटिलाइज करें, उसकी वॉल्स को, उसके रूफ को, कि वो हर जगह सोलर पैनल की एनहांसमेंट जो है वो उसका जो इंटीग्रेशन होने लगी है कि उसको हम ऐड करें और उस बिल्डिंग को जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बना लें. ये एक मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन का एक पार्ट है. ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो एनहांस हो गई है मजीद. जब हम आज से 10 साल पहले देखें या 15 साल पहले का सिनेरियो उठा के देखें तो उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है बहुत बेसिक होती थी. और मतलब मैं एलिवेशन की बात नहीं कर रहा, एलिवेशन फैंसी भी हो सकती है, एलिवेशन जो है बहुत सोबर भी हो सकती है, एलिवेशन बहुत स्ट्रेट भी हो सकती है. एलिवेशन की बात नहीं कर रहा मैं, उस बिल्डिंग की टाइप की बात कर रहा हूँ कि वो जो टाइप उसमें जो उसकी टाइप है वो किस तरह से इवॉल्व हो गई है, एनहेंस हो गई है. तो उसको जो है वो इसी ये जो जो पार्ट इसमें डिस्कस हुआ, जो सामने आपको जो इसमें ये ग्लोब बना हुआ नजर आ रहा है और ये जो ग्रीन इस पे ग्रीनरी है और ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये ग्रीन जो है ना ये इसका कॉन्सेप्ट यही है आजकल ना, ग्रीन बिल्डिंग्स को रिफ्लेक्ट हम कर रहे होते हैं इस चीज को दिखा के कि दुनिया कंस्ट्रक्शन ऐसी की जाए कि हमारा एनवायरमेंट कम से कम जो है वो इफेक्ट हो और कंस्ट्रक्शन के दौरान हर चीज का उसको फैल किया जाए कि जिससे जो है वो जो हमारा क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम रहे. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी उस हिसाब से इनहेंस हो गई हैं. जो मटेरियल है वो उसी मटेरियल में तो खैर इतना ज्यादा हम नहीं कह सकते कि, मगर उसकी जो प्रोसेसिंग है उस मटेरियल के प्रोसेसिंग में, उसकी मशीनरी में काफी चीजें इनहेंस हो गई हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अच्छा, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी. ऑक्यूपेंसी का टर्म इसलिए यूज हुआ कि
एक तो देखें, एक क्या है स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो बिल्डिंग क्लासिफाइड है, और एक है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। ऑक्यूपेंसी क्या है कि जो जिस काम के लिए उसको उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया गया। ऑक्यूपाई का मतलब क्या है कि उसको टेक ओवर किया, उस वहां जाके बैठ गए, उस जगह को यूज किया, ठीक है। तो अब इसमें जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स आपको बिल्डिंग की टाइप्स, ऑक्यूपेंसी बेस्ड बिल्डिंग की टाइप्स भी आपको नजर आ गई हैं, ठीक है। ये आपको हैजर्डियस बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, असेंबली बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल, ये कोई आपको इसके अंदर 9 टाइप्स नजर आ गई हैं, ठीक है। अब ये 9 टाइप्स जो है ना, अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, तो हैजर्डियस बिल्डिंग का क्या मतलब है कि वो बिल्डिंग्स यहाँ पर हैजर्डियस मटेरियल या हैजर्डियस एक्टिविटीज। हैजर्डियस क्या होता है? हैजर्डियस वो होता है कि अगर फर्ज करें एक केमिकल है, केमिकल है, उसके अंदर किसी किस्म का जो है वो खतरा मौजूद है उसको यूज करने में, उसको उसको हैंडल करने में, और उसके उसके नतीजे में कुछ खतरा लाहक है, तो हैजर्ड का मतलब वो खतरा होता है। आपने देखा होगा सर वो डेंजर के साइंस नजर आते हैं, और ये वो हैजर्डियस साइंस होते हैं। तो हैजर्डियस का मतलब भी यही है कि वो किसी डेंजर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना ही है। तो जो जिस बिल्डिंग में ऐसी इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही होती है, अक्सर जो केमिकल जहाँ पर स्टोरेज होती है वो उस तरह की बिल्डिंग्स हो गई, तो वो वहाँ उनको हैजर्डियस बिल्डिंग कहते हैं, जिनके लिए एक अलग से कुछ उसको बनाने के कुछ अलग से कुछ तरीकेकार होते हैं। उसको जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उसमें कुछ मखसूस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि भाई ये हैजर्डियस बिल्डिंग है, तो उसके इसी कंस्ट्रक्शन में हमें ये चीज़ें ऐड करनी है, इसकी बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें ऐड होंगी, इसकी वॉल्स में हम जो जो आगे जो पेंट कर रहे हैं उस पेंट को इस टाइप का वो पेंट होगा, वो कोई स्पेशल किस्म का पेंट होगा, तो वो उस बिल्डिंग के हिसाब से। स्टोरेज बिल्डिंग अगर कहीं पर जो है वो आप अभी कंस्ट्रक्शन में देखें, कंस्ट्रक्शन में अगर कोई कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें से बिल्डिंग नहीं आ रही है, उसकी वो उसकी इमारत नहीं आ रही है, उसके अंदर जो चीजें इक्विप्ड हुई है ना, उस बिल्डिंग के अंदर जो चीजें इक्विप्ड है उसका भी जिक्र आ रहा है, समझ रहे हैं आप। कि उसको अगर फर्ज करें मैं स्टोरेज बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जो है वो फ्रूट्स को या सब्जियों को स्टोर किया जा रहा है, जैसे बाहर ममालिक से जो चीजें आती हैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, या जब भी कोई चीज हम जो है वो दरामद करते हैं, तो उन दरामदात को हम जो है ऐसी स्टोरेज में रखते हैं जहाँ पर वो चीजें जो है काफी अरसे तक जो है वो वहाँ पर जो है वो सही हालत में अपनी रहे, तो उस स्टोरेज बिल्डिंग उस हिसाब से बनाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज को के अंदर HVAC इक्विप्ड होते हैं, जिसमें जो है वो जो फ्रीजिंग पॉइंट पे रहते हैं वो आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज, तो आपको मैं इसकी शेयर भी कर दूंगा जिसने नहीं देखा। तो वो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन टाइप के होते हैं, मगर उसके अंदर वो अगर आपने ऐसी चीज रखी हुई है जो कि गर्मी से खराब हो सकती है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर ऐसे इंतजाम किए जाते हैं उस बिल्डिंग में कि वो उस चीज को रिटेन कर ले अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो वो स्टोरेज बिल्डिंग उस हिसाब से। अब फर्ज करें ऐसी चीज है जिसको ऐसी ही कोई चीज है जिसको रूम टेम्परेचर में मेंटेन करना है, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके नहीं जाना है, जब मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाना है, तो उसको उसी हिसाब से देखा जाएगा और उसको उस हिसाब से मेंटेन किया जाएगा। अभी तक इसमें हैजर्डियस बिल्डिंग में स्टोरेज बिल्डिंग में किसी को इशू है? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हैजर्डियस बिल्डिंग होती है इसमें जस्ट केमिकल का ही हम लोग वो यूज करते हैं, केमिकल के अलावा दूसरे हैजर्ड्स नहीं होते? बहुत सारी चीज हो सकती है, मैंने बताया ना कि देखिए डेंजर सब्सटेंसेस जहाँ पर जिनका जिसको अफर्ज करें कि हम किसी ऐसी चीज को वहां पर स्टोर करें जिसके नतीजे में जो है वो कोई भी खतरा लाहक है, केमिकल भी हो सकते हैं वो कोई और चीज भी हो सकती है वो अगर फर्ज करें, मगर हैजर्डियस का मतलब हमेशा यूज किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस के लिए ऐसी जिनकी प्रॉपर्टीज उन चीजों की ऐसी केमिकल बेस्ड है या फिर जिस किस्म का और कोई और खतरा वहां पर स्टोरेज जो चीज स्टोर वहां पर हुई है उस बिल्डिंग में वो डेंजर्ड है वो दूसरे अगर उसको ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया गया या फिर उसके लिए उस बिल्डिंग को उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट नहीं किया गया उस बिल्डिंग को, तो वो नुकसान पड़ा रहता है बाहर मटेरियल ठीक है जो वहां स्टोर किया गया है, तो हैजर्डियस बिल्डिंग की का टर्म इसलिए यूज किया गया है ठीक है स्टोरेज का वो ये स्टोरेज का मैंने बताया कि जो भी चीज वहां स्टोर की जा रही है वो स्टोरेज बिल्डिंग उस हिसाब से की जाएगी कि वो अंदर खराब ना हो जाए, उसी हिसाब से उसको वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो हैं वो एक बहुत इसमें इसके अंदर ही टर्म उन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दी इंडस्ट्रियल की। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं
जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ प्लांट्स लगे हुए होते हैं, जहाँ कोई मशीनरी लगी हुई होती है, जहाँ किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो हैं वो फर्ज करें कि मैं एक शुगर मिल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं शुगर मिल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो जो फैक्ट्री में बनाने जा रहा हूँ वो एक बेसिकली शुगर मिल है। तो शुगर मिल को मैं उसी हिसाब से उसी पहले उसका पूरा प्लान बनेगा, फिर वो शुगर बिल्ड जो शुगर मिल के अंदर जो भी मशीनरी इक्विप्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली मैं उस बिल्डिंग को प्लान करूंगा और उस बिल्डिंग को जो है मैं उसी हिसाब से पूरा उसका डिजाइन बना के और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होगी वो उसके हिसाब से मैं उसको उस बिल्डिंग को एडजस्ट करूंगा और पूरी बिल्डिंग जो भी मुझे कवर्ड एरिया जो मुझे एलोकेटेड एरिया दिया जाएगा उसमें उसका कवर्ड एरिया का प्लान बना के दूंगा कि ये कवर्ड एरिया होगा और इसके इस कवर्ड एरिया के अंदर ये स्पेसिफिकेशन है जो कि शुगर मिल इंडस्ट्री के हवाले से। ऐसी बात है जो भी अब मैं अफर्ट्स करें मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है बनानी है, तो मैं जो भी ओनर है शुगर मिल का ओनर है वो मुझे प्लान देगा भाई मेरी ये मशीनरी यूज होगी, इसका ये साइज है और इसको इस किस्म का एनवायरमेंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो आप इसको इस हिसाब से एडजस्ट करें। तो मैं जो प्लान बनाऊंगा उसके अंदर वो सारी चीजें उसको मैं मद्देनजर रखते हुए उसको मैं कवर करूंगा और उस हिसाब से उस बिल्डिंग का प्लान बनाऊंगा। अगर मैं कोई पावर प्लांट बनाने जा रहा हूँ, पावर प्लांट की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको उस पावर प्लांट के अकॉर्डिंगली ही मैं उसको कंस्ट्रक्शन उसकी करूंगा, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका साइज और उसकी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन उस बिल्डिंग को मुझे देनी है, मैं उस हिसाब से उसको पावर प्लांट के हिसाब से खुद भी स्टडी करूंगा जो उसको दिया गया है, जो उसकी तरफ से मुझे जो कुछ कंपनी के लेटर की तरफ से मुझे प्लान मिला है कि भाई आपने एक बिल्डिंग बनानी है और मैं के लेटर का कॉन्ट्रेक्टर हूँ और मुझे के लेटर से को प्लान मिला है कि भाई ये चीजें इसके हिसाब से एडजस्ट करनी है, तो मैं खुद भी स्टडी करूंगा उसके उसकी चीजों को भी स्टडी करूंगा और मैं अपने हिसाब से इस बिल्डिंग को किस तरह और स्मार्ट बना सकता हूँ उसके लिए और किस तरह मैं इसको जो है वो प्रॉपर कर सकता हूँ, मैं उसके हिसाब से अपनी स्टडी भी करूंगा और उसके हिसाब से फिर मैं उस बिल्डिंग प्लान को बना के और उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो सही है इसमें। अब जो ये दूसरी जो टाइप्स हैं ऐसी मर्सेंटाइल बिल्डिंग का भी यही है, यही मामला है जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का है, बिल्कुल सेम चीज है। बिजनेस बिल्डिंग भी आप समझ गए होंगे कि जब जिस किस्म का बिजनेस है, अगर वो एक बैंक है तो बैंक को बनाने का तरीका अलग है। अगर फर्ज करें कि मुझे कोई ऐसा ऑफिस बनाना है जो कि बहुत ही ज्यादा फैंसी लगना चाहिए या बहुत ही ज्यादा कोई समझ लें कि फॉर्मल लगना चाहिए, तो वो उसके वो बैंक है तो वो फॉर्मल वे में बड़ा अच्छा मुझे बनाना होगा, तो मैं आपसे उसका एलिवेशन प्लान करूंगा, उसका आर्किटेक्चर लुक उसको दूंगा। जाहिर सी बात है ये सारा मेरे डोमेन में आएगा ना, उसको अंदर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से होगा। और बाद में समझ लें कि अगर मैं किसी स्टूडियो को प्लान करने जा रहा हूँ, किसी को स्टूडियो बनाना है मुझे, तो उसको स्टूडियो को मैं हिसाब से प्लान करूंगा। तो ना अब आप देखें जैसे मैं आपको मिसाल दूं एक्सपो सेंटर की। अब एक्सपो सेंटर जो है वो बड़े बड़े हॉल्स हैं, सही है, तो वो जो इस तरह के जो मेगा सेंटर्स होते हैं, जो एग्जीबिशन सेंटर्स होते हैं, उनको एक मतलब जनरलाइज वे में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब फर्ज करें कि उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं, मगर ऐसी बात है उस जगह को इतने स्पेशियस भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आमिर लागत के पूरे पूरे प्रोग्राम भी उसमें हो गए एक्सपो सेंटर में, कितनी कितनी ऑडियंस उसके प्रोग्राम में आती है। तो अब वो यही एक मिसाल है सीसी के, जो बिजनेस बिल्डिंग है, अगर कोई मैं स्टूडियो बनाने जा रहा हूँ उसको हिसाब से बनाऊंगा, अगर मैं कोई मल्टी स्टोरी कोई ऑफिस में उसमें बनाने जा रहा हूँ तो मैं हिसाब से कंस्ट्रक्शन करूंगा उसकी, उसी में वैसे ही मैं हेल्थ एंड सेफ्टी और के जो है वो सारी चीजों को मैं कवर करूंगा, फायर एग्जिट्स हो गए, इन चीजों को देखूंगा। ये ऐसी बात है, ये पूरा अपना एक जो जो टीम होता है उसको टीम को लेके और ये चीजें सारी प्लान की जाती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अब इंस्टीट्यूशन में जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक इंस्टीट्यूट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एक कोई भी इदारा हो सकता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब इदारा होता है, सही है। हमारा एक जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर लोगों का गलत होता है कि इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन का मतलब इदारा होता है। तो जो उस कोई भी इदारा है ऐसा फर्ज करें, मैं आपको मिसाल दूँ, आपको मिसाल मैं देता हूँ, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी आप मिसाल ले लें, सही है, अब आप गालिब लाइब्रेरी की मिसाल ले लें। वो गालिब लाइब्रेरी जो है ना, वो पूरा उस गालिब लाइब्रेरी को उस लाइब्रेरी के एस्पेक्ट से प्लान किया गया है। उसकी जो बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी की एक पर्पस मेड बिल्डिंग है, ठीक है। पर्पस मेड बिल्डिंग क्या होती है कि एक पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, सही है। अब मैं एक घर के अंदर
एक घर के अंदर मैं स्कूल खोलूं, ठीक है, और एक मैं स्कूल के हिसाब से एक बिल्डिंग बनाऊं, एक बहुत फर्क है ना दोनों चीजों में। उस घर को मुझे वो जो घर मुझे बना बनाया मिला है उसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि मैं जब उसमें स्कूल खोलने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे उसकी हर तरह से मुझे उसमें प्रॉब्लम ही पेश आएगी, मुझे परेशानी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्लासेस के स्टूडेंट हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, फिर वो जो है वो जाहिर सी बात है उसकी एक मार्केट अट्रैक्शन उस बिल्डिंग की वैसी नहीं बन पाएगी। अगर मैं पर्पस मेड बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर इसमें मैंने जो 10 क्लासेस बनाई हैं और मजीद सेक्शन के लिए भी मैंने जगह छोड़ी है, और मैं पूरा जब विजिट कराने जा रहा हूँ तो मुझे ये रहेगा पेरेंट्स को कि यार पेरेंट्स बिल्डिंग देख के खुश हो जाएंगे। ये पर्पस मेड बिल्डिंग को बनाना उस हिसाब से कि भाई ये क्लास रूम होंगे उसके अंदर ये होगा, तो एक उसको एक वो पर्पस मेड बिल्डिंग होगी। तो इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशन है वो लाइब्रेरी अगर बननी जा रही है, वहाँ पर तो लाइब्रेरी के प्रॉपर एस्पेक्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच में जो स्टूडेंट इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है ना, जो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेश हैं, उनको एक हम किसी साइट का विजिट करा दें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मिड टर्म के बाद मैं प्लान करता हूँ और आपको एक साइट का विजिट कराते हैं उसमें, और आपको दिखाते हैं साइट चल के कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा होता है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या किसी और बड़े इंस्टीट्यूशन की साइट हमें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में भी कोई हो तो आप शेयर कर लीजिएगा, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा कोई अच्छी कोई जगह आपको मिल जाए। तो इसमें जो है वो अब इंस्टीट्यूशन में मेरे ख्याल एजुकेशन भी कवर हो गया है कि वो पर्पज़ अगर लाइब्रेरी बन रही है तो वो उस हिसाब से उसकी रूम एलोकेशन होगी, उसके हिसाब से स्पेस एलोकेट होगा, उसको ज़्यादा साउंड प्रूफ बनाया जाएगा, और वो साउंड प्रूफ बनाना जो है कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है ना, तो उसको साउंड प्रूफ बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम उसमें प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके बिल्डिंग प्लान में, ताकि मिनिमम जो है वो शोर उस बिल्डिंग में। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि कोई बिल्डिंग ऐसी होती है ज़रा सा अगर हम छतें ऊँची कर देंगे एक बिल्डिंग की, तो आप नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, आप अगर किसी ऊँची छत वाली जगह पर जाएँ तो आपकी आवाज़ ना गूंजती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गूंजती है, एज कम्पेयर टू जिसकी छत मतलब लो है उस बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, तो उसको फिर उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी छतें नहीं होंगी, ऊँची छतें नहीं होंगी, तो उसका जो जो गूंजने का जो 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 एको का इफेक्ट है उस रूम का वो कम हो जाता है। तो अब ये चीज़ उसमें भी ख्याल रखी जाती है। अब लाइब्रेरी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से उसको कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसमें ग्लास का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, और मतलब वो साउंड प्रूफ जो डोर्स हैं उसको हिसाब से फिर बनाया जाता है, तो वो सब चीज़ें उसके हिसाब से उसको एडजस्ट की जाती हैं। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स तो कई टाइप्स की होती हैं, आपको आपका वन यूनिट अपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका जो है वो फ्लैट्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके हिसाब से जिस किस्म का हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो हाई राइज को हाई राइज के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, और अगर कोई मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग है उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, तो इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये हाई राइज बिल्डिंग जो है यार, मैंने इसको अच्छा, ये जो हाई राइज बिल्डिंग है इसका बताएं, किसी को पता हाई राइज बिल्डिंग क्या होती है? जैसे लकी वन के पीछे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, सॉरी लकी वन के पीछे भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है सर अभी, वो हाई राइज बिल्डिंग होती क्या है थोड़ा सा बताएं सर, मतलब बड़ी होती है। हाँ अच्छा, देखें इसमें जिस बिल्डिंग में जो है वो 20 प्लस फ्लोर्स होते हैं, फर्ज करें कि जैसे जिसके अंदर जो है वो कोई 15-20 फ्लोर्स हैं, तो वो हाई राइज बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाती है ऑटोमेटिकली, और उसके लिए ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक परमिशन भी चाहिए होती है, क्योंकि वो कमर्शियल बिल्डिंग, जाहिर सी बात है कि जो ये बिल्डिंग्स जो होती हैं हाई राइज बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स में आ जाती हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तो है वो, मगर वो जो 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 ज़मीन उसके लिए यूज़ हुई है, जो लैंड यूटिलाइज की गई है, वो लैंड जो है वो कमर्शियल बेस्ड है, तो वो कमर्शियल बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी पर्पज़ के लिए बनाने के लिए स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है, और इस परमिशन को गेन करने के लिए बहुत सारी जो है वो इदारों को ऑन पेज देना पड़ता है, और उसके बाद वो परमिशन मिलती है। इतनी आसानी से परमिशन मेरी मिलती है, बता दूँ मैं आप लोगों को कि जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है, अगर आप रेजिडेंशियल एक घर ग्राउंड प्लस टू का बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारी जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBC है, तो हमारा एक इदारा है जो कि इस चीज़ को बिल्डिंग कंट्रोलिंग को मॉनिटर करता है,
तो उससे ग्राउंड प्लस टू बिल्डिंग की इजाजत है, वो उससे अगर आपको ऊपर जाना है तो उनसे आपको रब्ता करना पड़ेगा, उनको सारा प्लान बताना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। और उस वक्त एक जमाने में अभी रिसेंटली उस पर बैन लगा हुआ है, तो वो बैन पता नहीं उठ गया नहीं उठ गया, मेरे ख्याल से अभी उठा नहीं है, तो आप उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बड़ा बहुत बड़ा हादसा हुआ उसमें गुलबहार के इलाके में कराची में, जिसके अंदर जो है वो एक बिल्डिंग गिरी, उसके साथ कुछ चार बिल्डिंग और गिर गई। हाँ सर बताया, वो हॉस्पिटल था उसके ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बना दी, घर बना दिए। जी हाँ, वो हॉस्पिटल था वो होम्योपैथिक का हॉस्पिटल था, उसमें एक बिल्डिंग गिरी, उसके साथ बराबर वाली बिल्डिंग गिर गई, फिर दूसरी इसके बराबर वाली बिल्डिंग गिर गई, वो चार बिल्डिंग एक साथ गिर गई। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अच्छा, एक ये चीज भी जहन में रखें कि एक जगह की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। आपने प्लान जब बनाना है ना, आप उसको जितने फ्लोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से उसकी प्लेंथ रखेंगे, उसी हिसाब से उसका जो है बेस और स्ट्रक्चर, आप उसकी जो है ना वो फाउंडेशन उस हिसाब से रखेंगे, आपको उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो ग्राउंड प्लस वन के लिए उसको प्लान किया और आप उसको ग्राउंड प्लस फोर बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस हिसाब से उसके पिलर्स उस हिसाब से डिजाइन होते हैं। अब उस बिल्डिंग में यही खराबी थी जो वहां पर कहाँ अटक रहा था मामला, कि उन्होंने ग्राउंड प्लस थ्री तो पहले बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी दो कमरे बन रहे थे, तो वो एक तो बिल्कुल वो स्ट्रक्चर बिल्कुल इस काबिल नहीं था, उसका जो फाउंडेशन थी वो बिल्कुल इस काबिल नहीं थी कि उस पर इतनी लंबी बिल्डिंग बन जाती, तो उतना वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर लोड बर्दाश्त कर रहा था, तो वो उसको जाहिर सी बात है कि वो जो लोड वो बेयर नहीं कर पाया और वो बिल्डिंग जो है ना वो हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। तो अब इस चीज को हमेशा जहन में रखेंगे, जब भी कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको उसकी जो फाउंडेशन है और उसकी जो प्लिंथ है उस हिसाब से प्लान हो, ताकि उसके बाद जब मल्टी स्टोरी उसको कराने जा रहे हैं, अगर ग्राउंड प्लस फोर है तो उसका प्लान अलग है, उसकी उसके उसके फाउंडेशन की उसके पिलर्स की प्रॉपर्टीज अलग है। अगर कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है उसकी प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से कैलकुलेटेड, उसके हिसाब से मटेरियल यूज होता है, उसके हिसाब से उसका साइज होता है पिलर्स का, तो अगर उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनेगी तो वो उस हिसाब से जाहिर सी बात है वो बेयर नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें तो ये तो बेस ऑन ऑक्यूपेंसी थी, इसमें कोई चीज सर एक क्वेश्चन है मेरा जी सर, ये जैसे कि हम प्लिन बीम या पिलर वगैरह बनाते हैं, हम रेशियो रखते हैं 1:4:1:2 इस तरीके का, कहने का ये जैसे हम एक पिलर बनाते हैं उसका साइज 1:1 है और हम लोग उसका रेशियो हाई रखते हैं, तो सर वो वाला ज्यादा मजबूत होगा या वो ज्यादा मजबूत होगा कि हम लोग एक पिलर 1:2 रखें और उसका रेशियो कम रखें? नहीं देखें, ये तो आपको आप उसके उसके फ्लोर से प्लान कर रहे हैं ना कि आप उसकी उसके इतना लोड उस पर डालने वाले हैं, उसके उसके जो उसका जो प्लॉट का साइज है वो क्या है, जाहिर सी बात है वो उस पर जितना एरिया कवर्ड एरिया आप उसको दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर जो एरिया कवर्ड है उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कितना एरिया उस पर कवर्ड आप उसको दे रहे हैं, उसको आपको उस पर रेशियो के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, रेशियो उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हम कॉलम छोटा बना दें और रेशियो हाई कर दें तो वो इफेक्टिव है या नहीं, तो हम कॉलम बड़ा करें तो ज्यादा बेहतर है? नहीं नहीं देखें, कॉलम को आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि आपको जितनी आपने उसके ऊपर लोड डालने हैं आपको जो है वो कॉलम भी बड़ा करना पड़ेगा और उसका रेशियो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अब ये जो है वो तीन किस्म के जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बेस पर उन्होंने बता दिए, एक हो गया लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, एक हो गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। और देखिए स्ट्रक्चर आपको कई तरह के नजर आएंगे, आप जब किसी गांव देहात में जाएंगे ऐसी बात है बिल्डिंग्स तो वो भी ऐसा थोड़ी कि शहर में सिर्फ बिल्डिंग्स और वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहाँ पर आप जो बिल्डिंग्स देखेंगे बनी हुई तो वो भी है, मगर वही बात है कि वो उस जाविये से उसको मॉनिटर नहीं किया गया, वो जाहिर सी बात है एक रिवायती हमारे मिस्त्री होते हैं उन्होंने उसको प्लान करके उसको खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट जो सही समझा उन्होंने वो अपने आप से अपनी कैलकुलेशन जो सही समझने हिसाब से उसको उन्होंने बना के खड़ा कर दिया, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है। वो बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी अक्सर वो लाल ईंटें होती हैं छोटी छोटी सी और वो उससे वो उस उसमें ना पिलर होता है, बल्कि कराची में भी आपको मैं ऐसी जगह बता सकता हूँ कि जो पूरे पूरे टाउन प्लान किए गए थे इसके अंदर पिलर ही नहीं थे नीचे, पता है आपको इसमें पिलर ही नहीं थे। मेरे रिलेटिव हैं वो सरजानी टाउन में, उनका एक जो है वो एक उनका घर है उसके अंदर पिलर ही नहीं था, जो स्ट्रक्चर बेस्ड उनको सबको मिले वो और उसमें पिलर ही नहीं बनाया, पूरा जितने भी घर वहाँ बने उसमें पिलर ही नहीं, नीचे वो ग्राउंड प्लस वन बन ही सकता वो घर, सिर्फ ग्राउंड ग्राउंड का जो यूनिट है ना वो रहेगा, उसको साथ से प्लान उन्होंने किया कि
कि वो आगे उसको एनहांस ही नहीं कर सकते। अगर किसी को वो घर उसको ऊपर मल्टी स्टोरी उसको लेके करना है तो पूरा घर पहले डिमोलिश करना पड़ेगा, नीचे पिलर डालने पड़ेंगे, उसके बाद वो ऊपर फर्दर कंस्ट्रक्शन होगी। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने इसको वो किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे भी स्ट्रक्चर है आगे, जो उसकी एक पिक्चर आएगी आपको, जैसे कि ये है, ये भी इस तरह की एक बिल्डिंग है, ये भी इसी तरह की एक बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, जिसमें जो है उन्होंने इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है ये, इट इज अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्लैब्स बीम्स एंड लोड बेयरिंग वॉल्स। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर मोर सुटेड वेयर हार्ड स्ट्रेटा ऑफ सॉइल इज अवेलेबल एट शैलो डेप्थ। वही बात है इसमें, देखें इसमें क्या बताया कि वो शैलो डेप्थ में जो है हार्ड सॉइल मौजूद होने की वजह से इस तरह की बिल्डिंग बन सकती है, मगर वही बात है कि रिस्की है। देखें ये तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, एक डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन है और इसपे एक इसने ग्राउंड प्लस वन बना के दिखा दिया है। और क्योंकि वो हार्ड सॉइल था, हार्ड सॉइल की कैलकुलेशन एक अलग कैलकुलेशन है, हार्ड सॉइल कैलकुलेट किया उसमें वो जो एक जो डिजायर्ड जो उसका जो सॉइल का एक रेशियो है वो निकल आया और किसके हिसाब से जो है उसने इस बिल्डिंग को बना दिया, ठीक है। मगर अब इसको इसको जो है ना, जब इस बिल्डिंग को उन्होंने बना दिया है तो अब जो ऊपर मल्टी स्टोरीज ने जो फर्स्ट फ्लोर खड़ा किया है इसके ऊपर, वो फर्स्ट फ्लोर जो है इस हिसाब से इन्होंने इसको एडजस्ट किया है कि सॉइल हार्ड था। अगर सॉइल हार्ड ना होता तो इसको ये इस किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे यहाँ पर, इनको सिर्फ इसको ग्राउंड तक स्टिक रहना पड़ता, फर्स्ट फ्लोर उस पर नहीं बना सकता था ये। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है कि जब हम इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अगर ग्राउंड जो उसका जो सॉइल है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है तो उसको हम इससे अवॉइड करें इस कंस्ट्रक्शन को। तो अगर यहाँ तो सॉइल हार्ड है तो फिर तो ठीक है, चल जाएगी, और उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोड बहुत ज़्यादा ना हो उस बिल्डिंग के ऊपर। तो वो ये जो है वो जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको मैं आगे जो है ना इसको ब्रीफ करते हैं आगे जाके, इसको मैं आगे जिस पहले टॉपिक्स जो है इसके पहले ही कवर कर लें। अच्छा, वो इसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं लोड बेयरिंग के। इट हैज थिक ब्रिक वॉल, थिकर वॉल्स गिव मोर वेदर रेजिस्टेंस, नॉइज प्रोटेक्शन। It is good and cheap for less than two floor construction because bricks are cheap. अच्छा देखें, दो इसमें advantages जो उसके बताए हैं वो ये है कि जो walls हैं वो thick होती हैं, thicker का मतलब कि उसकी जो मोटी होती हैं उसकी दीवारें और उसमें जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उसमें उसमें जो है वो weather resistant होती हैं। weather resistant का मतलब क्या है कि weather को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर लेती हैं, जो भी weather hard या extreme weather है जो उसके हिसाब से उसको adjust कर लेती है। noise protection कि जो बाहर शोर है उस शोर से जो है ना बचा जा सकता है, वो शोर इतना ज़्यादा घर में गूंज और बाहर का शोर नहीं आता, एज कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन जो टाइप्स हैं उसमें आता है। इट इज़ गुड एंड चीप फॉर लेस देन टू फ्लोर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ब्रिक्स आर चीप। ऐसी बात है कि जब आप उसमें जो है वो चीप इसलिए है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इतना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कॉस्ट नहीं लग रही, क्योंकि आप उसको जो है वो मल्टी स्टोरी पे ज़्यादा उस पर लेके जा नहीं सकते, क्या आप अपने प्लान हिसाब से कर रहे हैं कि इसको जो है हम मिनिमम उसके ऊपर रखेंगे, तो उस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट किया। तो उस पर जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि वो जो है कॉस्ट कम ही आनी है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि डिसएडवांटेजेस हैं,